लोग को रोवाया है। ये लॉकडाउन में ना हम लोग को खून कहाँ से रोवाया, उसको तो हम लोग को हाई पड़ा। जय श्री राम, तेल का बढ़ गया दाम। जय श्री राम, गैस का बढ़ गया दाम। जय श्री राम, सब्जी का बढ़ गया दाम। सोनार बंगला, सोनार बंगला माटी का बंगला बना नहीं सक रहा, सोनार बंगला क्या बनाएगा खा। जय काली, जय दुर्गा, जय सरस्वती, सब बोलेंगे मगर जय श्री राम नहीं बोलेंगे, जय श्री राम बोलेंगे। अल्लाह बनाए, बहुत बड़ा विकास, पेट में खाना नहीं शौचालय जाके क्या करेंगे। दीदी दीदी है, दीदी है तो कोई नहीं है। नमस्कार आदाब, मैं मुजाहिद और आप देख रहे हैं मशरिक न्यूज। इस वक्त रात के बज रहे हैं 2 और मशरिक न्यूज मौजूद है तोपसिया विधानसभा क्षेत्र में और कुछ महिलाएं इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि योगी आदित्यनाथ एक तरफ कहते हैं कि महिला सुरक्षित नहीं है, तो जानेंगे क्या नाम। शहनाज बेगम। क्या महिला वाकई में सुरक्षित नहीं है? अभी तो बहुत अच्छे हैं, अभी औरत लोग ना हम लोग बहुत अच्छे हैं। ममता जो दीदी की है ना उसका से बहुत हम लोग अच्छे हैं। अभी तो हमारे लड़का का हॉस्पिटल से, मेरे लड़का को अपेंटिस हो गया है, वहीं से आ रहे चितरंजन से। देखिए कोई ऐसा बात नहीं है, सब कुछ अच्छा है। भाजपा कह रही है महिला सेफ नहीं। नहीं, हम लोग सेफ हैं और सेफ ममता यहाँ रहेंगी, जीतेंगी तो हम लोग सेफ रहेंगे। अब वो जो हट जाएंगी तो हम लोग सेफ नहीं रहेंगे। हम लोग अभी देखिए ऐसे घूम रहे हैं, चल रहे हैं, अभी दो बज रहा रात, हम लोग घूम रहे हैं, कोई ऐसा डर नहीं है। हम लोग हाँ, अभी ममता मोदी आ जाएगा तो हम लोग को डर आ जाएगा, मोदी आ गया चलो चलो कहीं मारेगा, हम लोग घर से निकलना हम लोग को दुश्वार हो जाएगा। कुछ रोजगार नहीं, वो खाली उसका भाषण होता है और कुछ हम लोग को देंगे नहीं। लोग को भूखा मार, हम लोग को बोला है कि बाप दादा का हम लोग का प्रूफ निकालो, हम लोग का बाप दादा का क्या प्रूफ निकालो, खुद अपना बाप दादा का प्रूफ निकाल, वो अपना प्रूफ निकाले कि हमरा क्या प्रूफ है, वो अपना पहले प्रूफ निकाले तो हम लोग को बोले कि हम लोग का प्रूफ निकाले। हम लोग का तो प्रूफ है, वो अपना प्रूफ निकाले जो अभी जिंदा है, चाय बना चाय बेचते बेचते चला गया नेता में, नेतागिरी में चला गया। चार खुद घुसपैठिया है, वो जो दूसरे को घुसपैठिया बोल रहे हैं वो तो खुद घुसपैठिया है और हम पब्लिक को बोल रहे घुसपैठिया है। तो हम लोग इतना दिन तो यहाँ रह रहे तो कैसे रह रहे यहाँ पे, हम लोग को प्रूफ मांग रहे 50 साल पहले का, किसी का पास प्रूफ हो सकता है कि जिसका प्रॉपर्टी है उसका प्रूफ होगा? आम आदमी जो फुटपाथ में रहने वाले इंसान है उन लोगों के पास क्या प्रॉपर्टी होगा, क्या प्रूफ होगा उनके पास? जिसके पास जो समझिए रोज खाने वाला रोज कमाने वाला इंसान फुटपाथ में रहते हैं उसके पास कहाँ से प्रूफ आएगा? उतना 50 साल पहले का रिकॉर्ड कहाँ से है? NRC करा रहे हैं, 2 बजे रात को नोटबंदी करा दे रहे हैं आदमी लाइन में, आप खुद का नोट लेने के लिए आदमी भूखा रह रहे हैं, भूखा रह के कितना इंसान जान दे दिया, खुद का पैसा लेने के लिए सारा दिन सारा रात लाइन लगा करके इंसान भूखा मर रहा है, ये कोई बात हुई क्या? वही तो बोले एक चाय वाला वो मंत्री बन गया है और आम इंसान को भूखा मार दे रहे हैं, हमारा पैसा हम खुद सेफ नहीं ले रहे हैं, ले सक रहे हैं। सोनार बंगला माटी का बंगला बना नहीं सक रहा, सोनार बंगला क्या बनाएगा खाक, वो मिट्टी का तो एक घर नहीं बना सक रहा है और सुनार बंगला क्या बनाएगा? खुद बर्बाद कर दिया है तो हम लोग को क्या आबाद करेगा, पहले अपना परिवार को आबाद कर ले तो हम लोग को आबाद करेंगे। हम लोग को ममता दीदी चाहिए और हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। हम लोग को ममता दीदी चाहिए। मानुल जिंदाबाद। योगी जी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षित। हम लोग इतने रात को यहाँ पे हैं, अब इसी से समझ जाइए, हम एक बास्केटबॉल प्लेयर हैं, ठीक है, हम जाते हैं धर्मतला और आते हैं, वो एक मेडिसिन दवा दुकान उनका, वो भी जाती है। अब इतने रात को आप आए हैं 1:30 बजे रात को, आप देख लीजिए यहाँ कितना चहल पहल है, आप 2 बज रहा है, आप ही देख लीजिए अपने आंख से कि यहाँ पे क्या कैसे सब है। आज हम लोग आ रहे हैं बाहर, माँ का जगह कोई नहीं ले सकता, ठीक है, नागरिकता देंगे पश्चिम बंगाल, वो कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को ममता दीदी चाहिए, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सरकार को चला रही है, पूरा देश चला रही है वो औरत होकर के, और वो मोदी वो तो लूट रहा हम लोग से, वो क्या चलाएगा, वो आएगा ना तो हम लोग को और बर्बाद कर देगा, लूट देगा। एक सवाल के आप BJP रोजगार दे रही है, BJP जो नागरिकता दे रही है क्या? वो कुछ नहीं देंगे, वो अपने दिल्ली में दे, वो दिल्ली में दे, वो इतना दिन नहीं दिए तो आप क्या देंगे, पूरे लॉकडाउन में नहीं दिए तो वो क्या देंगे? हम लोग को वार्ड नंबर 66 में जावेद अहमद खान चाहिए और पूरे बंगाल में दीदी चाहिए, चाय वाला क्या दे सकता है? बोलने बोलिए जय सियाराम, सीता माता को लाने बोलिए, वो तो खुद सीता माता को हटा दे रहे हैं, तो क्यों बोले जय श्री राम? हम जय श्री राम बोलेंगे, जय माँ काली बोलेंगे, जय दुर्गा बोलेंगे, जय सरस्वती बोलेंगे, जय माँ लक्ष्मी बोलेंगे, जय गणेश बोलेंगे, उनका बोलने से मैं जय श्री राम बोलूंगा?
क्या क्यों बोलूं? भाजपा कह रहे हैं खेला होने से पहले दीदी LBW हो गई। भाजपा तो पहले ही LBW होके बैठ गया, दीदी का पर में चोट लगा तो खेला तो उनका संग हो ही चुका, वॉकओवर हो गया है, BJP वॉकओवर दे रहा है। आज शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में जाके बोलता है जो आज हमको वहाँ वही लोग रोक रहा है जो लोग पाकिस्तान जब जीतता था तब पटाखा फटा था। आज शुभेंदु अधिकारी को जब नंदीग्राम में रोका जा रहा है तो उनको लग शुभेंदु अधिकारी का तो जमीन से मट्टी हिल गया। आज अब 2021 में बंगाल में 2 तारीख को भाजपा का जमाना जब्त हो जाएगा, BJP का लीडर लोग बस कुछ दिन आ रहे हैं। BJP तो कह रही है 2 मई दीदी गई और हम बोल ले 2 मई मोदी गई। क्या बात है, क्या बात है, ताली। हम बोल ले 2 मई मोदी गई, 2 मई मोदी गए। 3 आंकड़ा बीजेपी बंगाल में 3 आंकड़ा पार नहीं कर पाएगा, 2 आंकड़ा में सिमट जाएगा। मोदी जी तो गरीबों के साथ दिखते हैं। एक मिनट, मोदी के साथ तो दे रहे। आज मोदी ने तरक्की क्या क्या किए देखिए, नोटबंदी नरेंद्र मोदी किया, GST नरेंद्र मोदी किया, रेल का भाड़ा नरेंद्र मोदी बढ़ाया, गैस का भाड़ा नरेंद्र मोदी बढ़ाया, नोटबंदी में जो नोट पैसा उठा नहीं सक रहा था आवाम, देखिएगा नोटबंदी का टाइम में बहुत ऐसा जिस लड़की के शादी होने वाला था वो छत से जान दे दी थी, ये प्रेस मीडिया लोग दिखाया था। तो ये सब तरक्की तो मोदी जी ने किया, मोदी जी का बहुत तरक्की है। खाली हाथ में बोले जय श्री राम तेल का बढ़ गया दाम, जय श्री राम गैस का बढ़ गया दाम, जय श्री राम सब्जी का बढ़ गया दाम, ये मोदी जी का काम है। तो मोदी जी विकास का मॉडल बंगाल में ला रहे हैं, क्यों पसंद? विकास तो किए हैं पूरे हिंदुस्तान में, मोदी जी विकास किए हैं। विकास अपना घर में बना है। क्या विकास किए? शौचालय बनाए, बहुत बड़ा विकास। पेट में खाना नहीं शौचालय जाके क्या करेंगे? पेड़ में खाना नहीं शौचालय जाके क्या करें? मोदी ने तो विकास किया शौचालय बना के, ममता जी ने विकास किया कन्याश्री रूपश्री जुबश्री सबुज साथी बच्चा लोग शास्त्रो साथी मंत्री आवास योजना भी तो मिल रही है। आपको मालूम आवास योजना किस? अभी देखिए कुछ दिन पहले एक मीडिया में एक फोटो आया था, एक औरत बाबूघाट में कुछ दिन पहले काम कर रही थी, बाबूघाट में काम, उसको उसका नाम में घर अलॉटमेंट हो गया और मीडिया के लोग वो औरत का घर खोज के निकाले, बोले आपको ये काम ये आपको मकान मिला, उसको मालूम नहीं है कि उसको आवास योजना का, वो बोले कि अगर हमको आवास योजना का मकान मिलता तो हम झोपड़ी में रहते। या प्रेस माध्यम से 2 दिन पहले का ये आला न्यूज़ आप लोगों को मालूम होगा, उनका जुमलाबाजी। वो तो वो एक्चुअली 70 साल पूछते थे 70 साल में क्या किया, 70 साल में क्या किया, अब पता चला 70 साल का इतिहास क्यों खुज रहा था। उसको रेल बेचना था, उसको BSNL बेचना था, तो उस 70 साल का जो इतिहास उसको बेचना था। तो मोदी जी का बात तो मत कीजिए, दुनिया में अगर सबसे बड़ा झूठा, सबसे बड़ा जुमलाबाजी, सबसे बड़ा फेकू जी एक ही इंसान का नाम होगा, वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी।